हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और दोस्तों सुबह के लगभग कितने बजे हैं, आठ बज चुके हैं। और दोस्तों मेरे ब्लॉग की जो शुरुआत हो रही है वो हो रही है देहरादून से। तो दोस्तों आज तैयारी है घर जाने की, और छोटी सिस्टर और परी और मनु को लेके घर जा रहा हूँ। तो दोस्तों अभी रास्ते में हूँ, बस यहीं से स्टार्ट किया है ब्लॉग, बाकी रास्ते में आपको व्यू दिखाते हुए चलेंगे आज। खाना खाने के लिए, नाश्ते के लिए ब्यासी में रुके हुए हैं। तो ये देखिए नाश्ता कर रहे हैं दोनों के दोनों, परी बेटा, मनु बेटा और किरण, है ना? हाँ, तेरी दोस्तों नाश्ता कर चुका हूँ, और यहाँ से टाइम लगेगा लगभग 3 घंटे तो लगेंगे, 2-2.5 घंटे तो लगेंगे श्रीनगर जाने में, बाकी वहाँ से 1-1.5 घंटा रुद्रप्रयाग और उसके बाद घर। दोस्तों नाश्ता कर चुके हैं, और नाश्ता करने के बाद अब चलते हैं, और सभी बैठ चुके हैं। इन्होंने नाश्ता करने के बाद देखो बंद कर रहे हैं दोनों के दोनों, है ना? तू भी खा रही, चल चले चले। दोस्तों फिर से रोक दिया गाड़ी यहाँ पे, और थोड़ा सा मोमो और ये देखो चिप्स वगैरह खाने के लिए रोकी है गाड़ी, है ना? हाँ जी। परी हाँ, कितने चिप्स लिए तूने? दो लिए। अच्छा तूने कितने लिए? मेरे लिए दे दो। आहा, यस। तो दोस्तों फिलहाल चलते हैं, काफी लेट हो गई है। गाइज हम पहुंचने वाले हैं धारी देवी, और धारी देवी पहुंच चुके हैं, मतलब लगभग थोड़ी सी दूरी पे रह गए हैं। तो यहाँ थोड़ा सा विराम, यानी कि थोड़ा रुकेंगे आगे में, और थोड़ी देर रुकने के बाद फिर चलेंगे हम घर। फिलहाल आप ड्राइव का आनंद लेते हैं आज।
दोस्तों देहरादून से पहुंच चुके हैं घर में, और घर में पहुंच करके और अभी फिर से ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूं मैं अपना। तो अभी रात के लगभग लगभग 7 बज चुके हैं। तो दोस्तों हम पहुंच गए थे लगभग 3:30-4 बजे करीब पहुंचे हैं घर में, क्योंकि बहुत जगह पे रुके भी हम, और बाकी रुद्रप्रयाग में काफ़ी शॉपिंग के लिए भी रुके और शॉपिंग की करी, छोटी वाली सिस्टर ने शॉपिंग करी वहाँ पे, तो उसके लिए रुके हुए थे और बाकी उसके बाद आ गए थे। तो लगभग 3:30-4 बजे पहुँचे घर में, और बाकी ऋषिकेश में भी रुके थोड़ा सा, और बाकी खाने के लिए बीच बीच में रुकते रहे क्योंकि भांजी लोग थे मेरे साथ और उनके लिए थोड़ा थोड़ा रुकना पड़ रहा था बीच बीच में। तो बाकी दोस्तों अभी पहुँच चुके हैं घर में, और बाकी श्रेयांश को देखो यहाँ पे कार्टून देखने पे लगा हुआ है, मोगली वाला कार्टून है ना श्रेयांश? श्रेयांश क्या देख रहा है कार्टून? हेलो कर, हेलो बोल, नहीं बोल रहा। तो दोस्तों श्रेयांश तो देख रहा है कार्टून, तो अभी थोड़ी देर में खाना खाने चलेंगे, और खाना अभी लगभग बन ही चुका है, लगभग बनने की मतलब रोटी बन रही है अभी, और खाना खाने के बाद फिर आ जाएंगे सोने के लिए। तो बहुत थकान भी लग गई है मेरे को, तो बाकी देखते हैं अभी रोटी खाने के बाद। जल्दी बता, मुंह से हाथ हटा, पापा तेरी वीडियो बना रहे। जल्दी बोला, इसको मैं जाके क्या करना है? हल्ला करना, घास काटना। देख रही, अब रुक जा, स्कूल जाना है ना? नहीं जाना, क्या करना है? घास काटना है। हाल नहीं लगाएगा, नहीं लगाएगा, क्या करेगा? बर्तन धुलेगा, रोटी बनाएगा, किसके लिए, किसके लिए बनाएगा? पहले ये हाथ हटाना मुंह से, आप बता किसके लिए बनानी रोटी? अपने लिए, मम्मी के लिए, पापा के लिए, दादी के लिए, दादा के लिए भी, पंकों के लिए भी, और किसके लिए? लोगों के लिए भी। कितनी रोटी बनाएगा? सब्जी भी बनानी, दाल भी, भाती भी, इसको ले जाना। ये क्या ना तेरी कॉपी पेंसिल, ये चलो 1-2 लिखो तो, ABCD चल पढ़ाई करो आप। हाँ तो ले पेंसिल भी है, इसने लिख दिया है। अली इसको पकड़, तो पेंसिल पकड़ना सीख तो जा, उल्टे हाथ से, उल्टे हाथ से नहीं। हाँ हाँ उठते हैं, दूसरा निकाल। तो दोस्तों खाना पीना भी हो चुका है, अब सोने की तैयारी हो रही है हमारी। तो बाकी दोस्तों आई होप ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं अगले नए ब्लॉग में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।